दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वर्चुअल पेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओरेकल 11G डेटाबेस ऑन योर सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरेकल 11G डेटाबेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ओरेकल 11G डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, आपको अगर ओरेकल 11G डेटाबेस सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ओरेकल से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे डालते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं ओरेकल 11G डेटाबेस को अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए अपना गूगल क्रोम और आपको सर्च बार में टाइप करना है ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर की लिंक जो है उस पर क्लिक करना है, जो कि है ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन एक्सी डाउनलोड। नेक्स्ट स्टेप में आपको नीचे आके प्रायर रिलीज आर्काइव पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको तीन लिंक दिख रही है। एक है ओरेकल डेटाबेस 11G R2 एक्सप्रेस एडिशन विंडोज 64 के लिए, दूसरी है ओरेकल डेटाबेस 11G फॉर विंडोज 32 बिट। तो आपको पहले चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। धीस पीसी में जाके आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है। मेरा है 64 बिट का, तो मैं यहाँ से 64 बिट वाला है ये डाउनलोड कर लूंगा इस पे क्लिक करके। दोस्तों, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐसी विंडो आएंगी, आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड ओरेकल पे क्लिक कर देना है। हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, इसे अब हमें सिंपली इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसे ओपन करता हूँ और मैं करता हूँ setup.exe पे क्लिक और ये हो रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। कुछ ही समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपको करना है सिंपली नेक्स्ट, यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स, नेक्स्ट नेक्स्ट यस। यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड, आपका जो यूजर नेम रहेगा वो रहेगा सिस्टम, अकाउंट का नाम रहेगा सिस्टम, आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में डाल देता हूँ MANAGER मैनेजर, आप कुछ भी डाल सकते हैं। कंफर्म करता हूँ पासवर्ड मैनेजर, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा ओरेकल डेटाबेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, मैंने किया फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं जाता हूँ अपने सर्च इसमें और मैं वहां टाइप करता हूँ SQL। आप देखोगे यहाँ पे रन SQL कमांड लाइन आ चुका है। यहाँ पे अब मुझे कनेक्ट करना है मेरे अकाउंट के साथ जो कि है सिस्टम, तो मैं लिखूंगा कनेक्ट सिस्टम। पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, मैं पासवर्ड डाल देता हूं। मेरा पासवर्ड है MANAGER मैनेजर, ये बता रहा है कनेक्टेड। तो इस तरीके से आपको ओरेकल का डेटाबेस अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। दोस्तों, हमारा डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है, हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो हर ओरेकल डेटाबेस में एक डमी टेबल होता है जिसका नाम है डुअल। तो डुअल टेबल का मैं डेटा लाने की कोशिश करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डुअल। तो मैं क्यूरी फायर कर रहा हूँ और डुअल टेबल का डेटा हमारे सामने आ जा रहा है। तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और डुअल टेबल का डेटा भी स्क्रीन पे आ गया है।